सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को कुछ हेयर स्टाइल सिखाएंगे, कैसे हेयर एडिट करते हैं अपना और कैसे यहाँ पे चिन्ह निकालेंगे। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोग कुछ हेयर एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए, तो हम कुछ इस तरह का हेयर एडिटिंग किए हैं। देखिए, पहले हमारा हेयर कितना छोटा था, यहाँ पे दिखिए एग्जांपल, यहाँ पे कितना छोटा है हेयर। उसके बाद हम यहाँ पे हेयर बढ़ा के देखिए कितना बड़ा किए हैं। एकदम इजी ट्रिक है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम इस फोटो को शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में। तो आप लोग पिक्सआर्ट में इस फोटो को शेयर कीजिए, यहाँ पे पिक्सआर्ट ये वाला, यहाँ पे जाके आप लोग इस शेयर कीजिए। तो हम इसको पिक्सआर्ट में शेयर करते हैं, कुछ टाइम लेगा। देखिए भाई, हमारा फोटो ऐड हो गया। तो आप लोग कहते हैं कि भाई क्वालिटी घट जाता है, तो क्वालिटी क्यों घटता है तो हम आप लोग को बताता हूँ। सेटिंग ये आप लोग कर लीजिएगा, क्वालिटी आपका नहीं घटेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टूल पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे टूल पे जाएंगे, उसके बाद टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए भाई ऊपर यहाँ पे दिया है स्केच दिया हुआ है, यहाँ पे स्केच को क्लिक कीजिए। और भाई उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग कुछ इतना आप लोग को रख लेना है, यहाँ पे सेटिंग दिया कुछ इतना ही आपको सेटिंग रहने दीजिए, देना है। उसके बाद अपने हेयर को कुछ इस तरह करना है, ऊपर की साइड खींचना है, देखिए कुछ इस तरह आप लोग कीजिएगा, आप लोग का हेयर देखिए कितना मस्त बड़ा हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार कीजिएगा आप लोग, देखिए हमारा कितना हेयर बढ़िया हो गया। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना हमारा हेयर मस्त हो गया। अब हम एक ट्रिक और करेंगे, यहाँ इफेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम कलर पे यहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कलर, कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ कलर रिप्लेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग लेगा, अभी कुछ टाइम में हो जाएगा। तो आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे कर देना है। आप लोग जो भी कलर रखना चाहते हैं अपने फ़ोटो में वो कलर आप लोग रख लीजिएगा, जैसे ग्रीन हो गया, येल्लो हो गया, आप लोग कोई भी कलर रख सकते हैं। तो हमें यही अच्छा लग रहा है, हम यही वाला कलर रखेंगे। तो इसके बाद हम क्लिप करेंगे, उसके बाद इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। तो आप लोग के बताए थे कहाँ पे चिन्ह मारना है, तो इसको गैलरी में आ जा जाएँ, उसके बाद इस वाले फ़ोटो को शेयर करना है आप लोगों को स्केच बुक में। तो हम इसको शेयर करेंगे स्केच बुक के अंदर, देखिए यहाँ पे हम यहाँ इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा फ़ोटो ऐड हो जाएगा, हमारा फ़ोटो ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद आप लोगों इस वाले ब्रश को चूज़ कर लेना है, और उसके बाद सेटिंग पे जाना है, देखिए यहाँ पे सेटिंग है ऊपर, यहाँ पे सेटिंग पे जाके आप लोगों को फ्लो, देखिए फ्लो है, इसको हम लोग इतना कर लेंगे, और साइज को देखिए ऊपर जो साइज है आप लोगों को कुछ इतना कर लेना है, फ्लो को थोड़ा और बढ़ा देना है, 20 कर देना है। उसके बाद हम अपना यहाँ पे हेयर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, इस पर क्लिक करते आप लोगों को कुछ सामने ये वाला इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो ये सेकेंड वाला आप लोग क्लिक करके ले लीजिएगा, यहाँ देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे ऊपर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडजस्ट करके इतना रख लेना है, उसके बाद आप लोग जितना करना चाहते हो कर लीजिएगा, देखिए हमारा कुछ इतना हो गया। तो आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, हमारा भी बढ़िया से हो गया है। उसके बाद आप लोग फ़ोटो सेव कर लीजिए, देखिए हमारा कितना इजी स्टेप में बन गया। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।